students, next is side information. It should be noted that head to tail rule can be used to add any number of forces. The vector representing resultant force gives the magnitude and direction of the resultant force. Students, ये अभी हमने discuss किया, इसको MCQs के लिए mark कर लें. Next example 4.1, find the resultant of three forces 12 newton along x axis, 8 newton making an angle of 45 with x axis and 8 newton along y axis. स्टूडेंट्स, इन वेक्टर्स के लिए पहले हम एक स्केल डिवाइस कर लेते हैं, देन अकॉर्डिंग टू द स्केल वी विल ड्रॉ द वेक्टर्स एंड देन फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ दीज वेक्टर्स. स्टूडेंट्स, इन दिस एग्जांपल वी विल टेक 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 न्यूटन. सो इस केस में अगर हम F1 12 न्यूटन ड्रॉ करें एक्स इसके अलॉन्ग एक्स एक्सिस, आपको आइडिया होगा हॉरिजॉन्टली ऐसे लाइन आएगी, तो F1 की लाइन कुछ इस तरह से आएगी हॉरिजॉन्टली अलॉन्ग द एक्स एक्सिस. स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने स्केल डिवाइस किया है 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 2 न्यूटन, इट मीन्स के 12 न्यूटन की फोर्स कितने सेंटीमीटर की होगी, 6 सेंटीमीटर की. तो हमने एक्स एक्सिस के अलॉन्ग 6 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ की है. नेक्स्ट 8 न्यूटन अलॉन्ग 45 डिग्री विद एक्स एक्सिस, यानी अब ये वैक्टर एक्स एक्सिस के साथ 45 डिग्री के एंगल पे है, कुछ इस टाइप में जैसे F2 आपको दिखाया गया, ये एक्स एक्सिस के साथ किसी एंगल पे है और वो एंगल 45 है. As 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 न्यूटन, देन 8 न्यूटन विल बी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर. तो हमने 4 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ की है और इसकी डायरेक्शन 45 के उसी एंगल के अकॉर्डिंगली है. थर्ड फोर्स इज 8 न्यूटन अलॉन्ग वाई एक्सिस, मतलब ये वर्टिकल लाइन आएगी, वाई एक्सिस वर्टिकल है, 8 न्यूटन की फोर्स है, मीन हमें 4 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करनी होगी. तो यहाँ पर हमने F3 ड्रॉ किया है 4 सेंटीमीटर लेंथ के साथ. नाउ वी विल फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ दीज F1, F2, F3 फोर्सेज यूजिंग द हेड टू टेल रूल. स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टेक F1 दैट इज अलॉन्ग एक्स एक्सिस. F1 को वैसे ड्रॉ किया, उसके बाद हमने सेकंड वेक्टर B लिया है और वेक्टर B की डायरेक्शन पे कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए जब हम इसको वेक्टर एडिशन में लेके आएंगे. सेम हमने वैसे ही उसको उठाया है, उसकी डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं आ रहा. F2 की टेल को हमने F1 के हेड से मैच कर दिया. नेक्स्ट हमने वैक्टर F3 उठाया, F3 को हमने प्लेस कर दिया है इस जगह पर. F3 की टेल F2 के हेड से मैच कर रही है. अब रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा, रिजल्टेंट वेक्टर की टेल फर्स्ट वेक्टर की टेल से मैच करेगी और रिजल्टेंट वेक्टर का हेड लास्ट वेक्टर के हेड से मैच करेगा. तो ये हमारे पास ये रेड में जो आपको नजर आया दैट इज़ द रिजल्टेंट वेक्टर और रिजल्टेंट फोर्स. अब इस केस में हम क्या करेंगे, सिंपली इस वेक्टर की लेंथ फाइंड करेंगे यूजिंग द स्केल. स्केल हमने डिवाइस किया था 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 न्यूटन. तो अगर हम इसकी लेंथ कैलकुलेट करें, उसकी लेंथ आएगी सेंटीमीटर में, जो भी लेंथ आएगी सेंटीमीटर में, सिंपली उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास रिजल्टेंट आंसर आ जाएगा इन द फॉर्म ऑफ न्यूटन्स. स्टूडेंट्स, इफ यू टॉक अबाउट द डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर, तो इस वेक्टर के डायरेक्शन के लिए हम सिंपली देखेंगे कि ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ कौन सा एंगल बना रहा है. तो ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस की लाइन ऑलरेडी है हमारे पास इन द फॉर्म ऑफ F1. प्रोट्रैक्टर यूज़ करते हुए सिंपली इस एंगल को मेजर करेंगे, ये एंगल हमें डायरेक्शन देगा रिजल्टेंट वेक्टर की, यानी कि रिजल्टेंट एफ की. डायरेक्शन के केस में हम फिर कह देंगे कि दिस रिजल्टेंट वेक्टर इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 37 डिग्री विद द एक्स एक्सिस. स्टूडेंट्स, दिस साइड इन्फॉर्मेशन इज इंपॉर्टेंट फॉर MCQs. मार्क दिस साइड इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा.